हाय फ्रेंड्स, रियलमी नार्जो 50 इंडिया में लॉन्च हो गई है और आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रियलमी नार्जो 50 जो कि इंडिया में लॉन्च हुई है, ये ऑफलाइन मार्केट पे किस प्राइस में आपको मिलने वाला है और क्या क्या ऑफलाइन मार्केट में ऑफर देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही किस किस वेरियंट में आप इसे परचेस कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि क्या ऑफर चल रहा है, नहीं चल रहा है और ये फ़ोन कब से आप परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन मार्केट में रियलमी नार्जो 50 को, तो सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्नो माइंड। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि रियलमी नार्जो 50 जो इंडिया में लॉन्च हुई है, ये दो वेरियंट में लॉन्च हुई है और इसकी प्राइस क्या है। तो सबसे पहली वेरिएंट आपको बताना चाहेंगे 4GB 64GB, इसकी प्राइस लिखी गई है रियलमी वालों की तरफ से 13,000 रुपये। और इसका एक हायर वेरिएंट है जो कि 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस रखी गई है 15,500। और आप अगर इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इसी प्राइस पे आप इसे परचेज कर सकते हैं। जैसे कि 4GB 64GB स्टोरेज वाला आपको फ़ोन चाहिए रियलमी नार्जो 50, तो आप इसे 13,000 में ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप इस फ़ोन को कहाँ से खरीदेंगे। तो आप इस फ़ोन को रियलमी स्टोर से परचेज कीजिएगा, क्योंकि इस जगह से अगर आप परचेज नहीं करते हैं, रियलमी स्टोर से अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो आपका पॉकेट से 1,000 से 500 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 13,000 रुपये का अगर आप फ़ोन ख़रीदते हैं रियलमी नार्जो 50, तो आपको हो सकता है अगर रियलमी स्टोर से ना खरीदें तो हो सकता है आपको 1,000 से 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियलमी जो फ़ोन लॉन्च करती है ये ऑनलाइन मार्केट में लॉन्च करती है और दूसरी जगह ऑफलाइन मार्केट में ये अपने ही स्टोर पे ये फ़ोन अवेलेबल करवाती है जो कि है रियलमी स्टोर। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो रियलमी स्टोर आपके नज़दीक में जहां भी हो आप वहां से परचेज कर लीजिए। अगर रियलमी स्टोर आप जहां रहते हैं वहां के नज़दीक में रियलमी स्टोर नहीं है, तब आप किसी ऐसे दुकान में जाएँ जहाँ पर रियलमी का फ़ोन अवेलेबल होता है और वो हाँ आपको ये फ़ोन मिल जाएगी। लेकिन आपको हो सकता है कि वो 1,000 से 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करें आपको फ़ोन का। ऐसा क्यों होता है आपको मैं डिटेल से बताना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियलमी वालों से उनका कोई भी टाइप नहीं होता है, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, जो कि रियलमी वो अपना फ़ोन किसी और को सेल करने नहीं देती है और दुकानदार अपना कस्टमर या ग्राहक के लिए फ़ोन अवेलेबल करवा दी, क्योंकि ग्राहक का डिमांड होता है, कस्टमर का डिमांड होता है कि मुझे रियलमी का ही फ़ोन चाहिए। तो वो लोग कहीं से अपना व्यवस्था करवाते हैं, उपाय करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं अपने पास और आपको वो फ़ोन देते हैं सेम प्राइस पे, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसके लिए वो आपसे 1,000 से 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हो सकता है आपसे ना भी करें, आप समझ जाइएगा कि इनका रियलमी से टाइप क्या हुआ है। और यहाँ पर आपको सारा रियलमी का फ़ोन मिल जाएगा जो भी रियलमी की तरफ से लॉन्च होता है। तो यही बात है दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे आराम से ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन आप इस फ़ोन को ऑफलाइन मार्केट में कब से परचेज कर सकते हैं, मेन बात ये आ जाती है। तो ये फ़ोन ऑनलाइन पे, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पे ये फ़ोन फर्स्ट सेल इसकी स्टार्ट हो रही है 3 मार्च से। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च से ये ऑनलाइन पे सेल होने वाली है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़ोन 10 मार्च के बाद आपको ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रियलमी नार्जो 50 को परचेज करने के लिए सोच रहे हैं ऑफलाइन मार्केट से, तो आप ऑफलाइन मार्केट कम से कम 10 मार्च के बाद जाएं, तभी आपको ये फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होगी और आपको निराशा देखने के लिए नहीं मिलेगी कि मैंने मार्केट गया फ़ोन खरीदने, मुझे फ़ोन अवेलेबल नहीं मिली है। ऐसा बात आपको देखने नहीं मिलेगा। आप 10 मार्च से पहले जाएं तो ऐसा हो सकता है कि फ़ोन अवेलेबल ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी टाइम लग जाती है ऑफलाइन मार्केट में आने में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये फ़ोन 3 मार्च को लॉन्च हो रही है ऑनलाइन पे अमेजोन पे। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस फ़ोन को 10 मार्च के बाद ऑफलाइन मार्केट में जाएं और इस फ़ोन को आसानी से परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपके पास अगर ये फ़ोन परचेज करते हैं तो
तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट है, सुझाव है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं सारे का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलूंगा इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.